योम फुरकान, जब हक और बातिल के दरमियान वाज़ह तफरीक हो गई। ग़ज़वा बदर, जिसे योम फुरकान के नाम से भी जाना जाता है, ये लड़ाई 17वें रमजान 2 हिजरी और मार्च 624 ईस्वी में लड़ी गई। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 के लगभग थी और कुरैश मक्का की तादाद 1000 के लगभग बताई जाती है। जब बदर के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान सिपाहियों को जंग के आदाब बताए और उनकी हौसला अफजाई भी की, और कुछ वक्त में ही घमासान लड़ाई शुरू हो गई और मुसलमानों ने कम तादाद के बावजूद अपनी बहादुरी और शुजात की मिसालें पेश की, और देखते ही देखते कुरैश मक्का मैदान में कमजोर होने लगे। आखिरकार मुसलमानों की फतेह हुई और इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, और वहीं कुरैश मक्का के कुछ सरदार के साथ 70 लोग मारे गए और लगभग 70 लोगों के करीब ही कैदी बना लिया गया। इस जंग में जिस तरह से मुसलमानों ने लड़ाई की है, वो आज भी तारीखी किताबों में सुनहरे अल्फाज में बयान की जाती है।